बहुत सारी शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि में आपको मौका मिला है सिर्फ एक दिन के अंदर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में कि एक दिन फास्ट रखकर किस तरीके से आप लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो आज इस शिवरात्रि के अवसर पर मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जो कि फॉलो करके आप अपनी बॉडी को फुली डिटॉक्स कर सकते हैं। व्रत हम लोग भगवान की आस्था के लिए तो रखते ही हैं, बट ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जब आप एक दिन का फास्ट रखते हैं, मीन्स अनाज नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेते हैं, वाटर का इंटेक करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाती है। इसलिए भगवान की आस्था के लिए तो व्रत रखना ही चाहिए, पर अपनी सेहत के लिए भी व्रत जरूर रखना चाहिए। इसी बहाने कम से कम आप लोग एक दिन व्रत रखेंगे और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। हमें अपनी बॉडी को जरूर डिटॉक्स करना चाहिए। इससे हम जिस तरीके से हम लोग अपने डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए वैक्सीन कराते हैं या कई लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, उसी तरीके से अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने के लिए हम लोगों को एक दिन फास्ट जरूर रखना चाहिए, ताकि हम लोग की बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो सके। इससे आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब किल हो जाते हैं सिर्फ एक दिन के फास्ट से। लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं जैसा आप लोग रखते हैं। आज इस वीडियो में आप लोग को इस तरह से फास्ट रखने का तरीका बताऊंगी जिससे कि आप लोग की बॉडी डिटॉक्स हो सकती है और इवन आप लोग अपनी बॉडी वेट को भी लूज कर सकते हैं। कल शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में आप लोग को इस तरीके से फास्ट रखना है ताकि आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो सके और आप लोग का बॉडी वेट भी थोड़ा बहुत लूज हो सके। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगी कि आप एक दिन में 5 किलो 6 किलो लूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, बट हाँ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं और साथ ही में टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा महाशिवरात्रि का डाइट प्लान। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल काम करना है, मॉर्निंग में उठ करके 1 ग्लास ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है विथ लेमन लेना है। ये ल्यूकवॉर्म वाटर विथ लेमन आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को मॉर्निंग में ही रिमूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद में आपको 1 ग्लास डिटॉक्स वाटर पीना है, वो डिटॉक्स वाटर भी आप पेयर करके रखना है। डिटॉक्स वाटर को कैसे बनाना है, इस वीडियो का भी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जरूर विजिट कीजिए और देखिए कि ये डिटॉक्स वाटर कुकुम्बर लेमन का डिटॉक्स वाटर कैसे बनता है। और ये डिटॉक्स वाटर इस फास्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा और डिटॉक्सिफिकेशन को भी जस्ट डबल कर देगा। इसलिए इस डिटॉक्स वाटर को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब इसके बाद आप लोग को जो लेना है, इसके जब आपको मॉर्निंग उठना तुरंत आपको ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है, उसके आधे घंटे बाद आपको डिटॉक्स वाटर लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी खाने पीने से आधे घंटे पहले सौंफ का पानी लेना है। सौंफ का पानी कैसे बनेगा, बहुत सिंपल। 1 चम्मच सौंफ 1 ग्लास पानी में भिगा कर रखना है, उसे हल्का सा गर्म करके और छान कर पी लेना है। ये सौंफ आपके पेट के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर देगा। और अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम है, एक दिन के व्रत से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स में बहुत आराम मिलने वाला है। ये तो रही बात सुबह मॉर्निंग में जितने भी आपके वाटर लेने उनकी। अब बात करते हैं आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। तो लेना है वो है आप लोग के फ्रूट सैलेड। आप लोग फ्रूट्स को कट करना है, उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं करना है। उस फ्रूट को मॉर्निंग में आपको लेना है, आपको अपना ये जो डिटॉक्स वाटर है वो 1 ग्लास फिर से लेना है। मीन्स अगर आप 11 बजे लंच कर रहे हैं तो आपको 10 बजे 1 ग्लास डिटॉक्स वाटर और लेना है। और अपने लंच के बाद में जब आप 11 से 12 के बीच में लंच करेंगे, उसके बाद अभी आपको प्यास लगेगी, आपको ये डिटॉक्स वाटर ही लेना है। मीन्स आपको ये डिटॉक्स वाटर कांच के जार में बनाना है और 2 लीटर के कांच के जार में बनाना है। अगर आपके पास 1 लीटर कांच का जार है तो कोई बात नहीं, जब आपका वो फिनिश हो जाएगा उसमें फिर से वाटर फिल कर दीजिएगा और फिल करने के 2 घंटे बाद फिर से उसको पीना शुरू करिएगा। बट ध्यान रखिएगा शाम को 5-6 बजे के बाद में आपको पानी ज्यादा नहीं पीना है। आपको अपना ये डिटॉक्स वाटर जो कि आपने 2 लीटर तैयार किया शाम को 5 से 6 बजे से पहले खत्म करना है। ये डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को बहुत जल्दी क्लियर आउट कर देगा, वो डिटॉक्सिफाई कर देगा और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसलिए इस डिटॉक्स वाटर को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसको भी आप जानते हो जो शिवरात्रि का व्रत रखता हो, तो मेरे इस वीडियो को उन तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इस शिवरात्रि सिर्फ फास्ट नहीं हेल्दी फास्ट रखें। 11 से 12 बजे के बीच में आप लोग को अपना लंच लेना है। लंच में आप लोग कुट्टू के आटे का पराठा और साथ में कोकोनट चटनी या पीनट चटनी ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी चटनी ले सकते हैं। दोनों ये सब हाई फाइबर रहेगा, हाई प्रोटीन रहेगा, जो कि आपको भूख नहीं लगने देगा। 11 से 12 के बीच में लंच लेने के बाद में आपको उसके आधे घंटे बाद 1 ग्लास बटर मिल्क लेना, या आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद भी बटर मिल्क ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बटर मिल्क आपके स्टमक को एकदम क्लियर कर देगा। नेक्स्ट है आप लोगों का इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में आप लोग कोई भी टी ले सकते हैं, आप चाहें तो मिल्क की टी ले सकते हैं अगर आप टी की एडिक्टेड हैं तो।
बाकी अगर आप लोग चाहें तो शाम को जीरा की टी ले सकते हैं। जीरा टी भी आपके स्टमक को बहुत जल्दी क्लियर आउट करने वाली है। ये जीरा टी आपको कैसे बनानी, इस वीडियो का भी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा ये जीरा टी कैसे बनती है। जीरा टी या जीरा वाटर आप कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। कहते हैं हमारे डिनर की, तो डिनर में जो आपको लेना है वो है आप लोग का डाइट वाली पकौड़ी। ये पकौड़ी मेरी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, मेरी खुद का इनोवेशन है, इसे मैंने खुद घर पर बनाया था और ये बिना तेल के, बहुत ही कम तेल के, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होती है। आप ही की पकौड़ी जो आप लोग कुट्टू के आटे का या सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी बनाते हैं, ये वही पकौड़ी है, बट डीप फ्राई नहीं है। इसलिए मेरी मानिएगा तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते आ रहे हो तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में इस रेसिपी या आपको रेसिपी ये कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको रात में सिर्फ ये पकौड़ी लेनी है, 6 से 7 पकौड़ियाँ विद कोरिएंडर चटनी, हरी धनिया की चटनी के साथ में। तो ये हो गया आपका डिनर। अब आपको रात में क्या लेना है, रात में आप सिनेमन टी लेनी है। सिनेमन टी आपकी बॉडी जो दिन भर खाया पिया उसको एकदम पचा देगी, फिर जब आप रात में सोएंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत स्ट्रांग कर देगी और बूस्ट कर देगी, जिससे आप जब मॉर्निंग में उठेंगे आपको फ्रेश होने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और मॉर्निंग में उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, आप अपना वेट जरूर लीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना आराम मिलता है। बट अब आपको सुबह व्रत के बाद में खाने पर टूट नहीं पड़ना, अपनी डाइट को स्लोली स्लोली स्टार्ट करना है। मींस आपको फिर से सुबह उठ करके सौंफ का पानी लेना है, पैसा से पहले एक गिलास लूना पानी पीना, उसके बाद में सौंफ का पानी लेना है, इसके बाद में कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, ना कि सुबह उठते ही आपको खाने पर टूट पड़ना है। तो ये तो रहा मेरा शिवरात्रि महाशिवरात्रि का डाइट प्लान, जो कि आपके फास्ट को सुपर फास्ट में बदलने वाला है और आपकी बॉडी को बहुत ही जल्दी डिटॉक्सिफाई करने वाला है। सिर्फ एक दिन में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा शिवरात्रि का डाइट प्लान पसंद आया हो, फास्ट डाइट प्लान, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।